बट सर ये नहीं है सिर्फ, मेरे को पता चला है आप और भी कुछ चीजें लेकर आ रहे हो मार्केट में, हमारे पास है यहाँ पर भी, तो अब वो भी ले आओ आप, दो आपके डिवाइसेस और लॉन्च हो रहे हैं। एक के लिए मैं पर्सनली बहुत ज्यादा खुश हूँ बिकॉज मैंने वो जर्नी शुरू से देखी है, विच इज द पोको बड्स। सो ये हमारा पोको बड्स X1 सीरीज है। X1 सीरीज इसलिए क्योंकि हमारा X सीरीज एक हम परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीरीज लेके आ रहे हैं, तो हमारा एंड लास्ट ईयर हमने पोको बड्स लॉन्च किया था, बट उसका अपग्रेडेड वर्जन है पोको बड्स X1। हम एक X सीरीज कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं पोको बड्स में, तो ये लॉन्च कर रहे हैं हम M6 प्लस के साथ। ये लॉन्च हो रहा है अराउंड फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में, और इसका टीजर आई थिंक कल से शुरू हो जाएगा। डेट बताइए ना, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त नहीं, पूरे हफ्ते लोग वेट नहीं करेंगे हमारे वाले, उनको डेट चाहिए। फर्स्ट ऑफ अगस्त को हम लॉन्च कर रहे हैं। या फर्स्ट ऑफ अगस्त को पोको M6 प्लस और पोको बड्स X1 दोनों लॉन्च हो रहे हैं। मैं व्हाई आई सेड आई एम पर्सनली हैप्पी अबाउट दिस बिकॉज आई हैव सीन जब आपका पहला पोको बड्स अनाउंस हुआ था, एंड द टाइम दैट इट टुक टू परफेक्ट दैट एंड लॉन्च दैट डिवाइस, एंड इट गुड कि अब आपके पास जो दूसरा बड्स है वो इटरेशन होके बेटर करके हम, एंड बहुत जल्दी भी, लाइक बहुत गैप के बिना आ रहा है, तो इनकी भी अनबॉक्सिंग करी जाए। पहले क्या अनबॉक्स करना चाहेंगे, फोन या बड्स? क्या कर लेते हैं, बड्स आपने बोला तो मैं बड्स का अनबॉक्सिंग करता हूं। मैं इनफैक्ट ये भी साथ साथ खोल लेता हूं, इसको भी थोड़ा सा फर्स्ट लुक दिखाई देंगे हम। एग्जैक्टली, तो देखेंगे अगर बर्ड्स का काफ़ी प्रीमियम लुकिंग हमने डिज़ाइन रखा है, क्योंकि आजकल CMF जो प्रोडक्ट्स के होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो यहाँ पे पोको बर्ड्स का ब्रांडिंग है। उसके बाद अगर आप ओपन करेंगे तो प्रीमियम लुकिंग एक हमने लुक दिया है इसके अंदर। इसका जो एक्टिव नॉइज़ कैंसिलेशन है इस प्राइस ब्रैकेट में आई थिंक किसी ब्रांड के पास नहीं है जो हमारे पास है। इसका प्राइस पॉइंट अभी हम मैं नहीं बता पाएंगे। अरे आप बताएंगे सर, आप रुकिए आपसे सब निकलवाएंगे। सो ये लॉन्च कर रहा है बड्स, बताइए आराम से कि क्या है फीचर्स, की फीचर्स क्या है, आपने बता दिया एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन काफी इसमें है। और इसमें अगर लेट्स से आप, मैं नॉर्मल यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ, अगर आप जॉगिंग करते हैं राइट, काफी विंड की नॉइज आती है काफी बड्स में, इसमें मैक्सिमम पॉइंट ऑफ व्यू से वो नहीं आएगी, इसमें हमने उस लेवल पे ऑप्टिमाइजेशन करी है इफ़ यू आर रनिंग। सो हमने इसमें वॉइस क्वालिटी पे काफ़ी वर्क किया और इसमें काफ़ी R&D एफर्ट लगाया है ताकि एक इसकी प्रीमियम लुकिंग नॉइस हम फोकस कर पाएँ। सो जैसे फोन्स में प्रोसेसर हमें इंपॉर्टेंट रखते हैं, इसमें हम परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उसका एक नॉइस का क्वालिटी और नॉइस कैंसिलेशन, दीज आर द टू फीचर्स जो हमने इस पर काफ़ी वर्क कर रहे हैं। ओके ऑलराइट, एंड दिस इज द पोको M6 प्लस, वेरी नाइस कलर बाय द वे, लैवेंडर कलर। सो अगर आप देखेंगे कि हम अपने कलर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं क्योंकि हमारी जेंजी ऑडियंस है, आई थिंक पोको का अगर आप कभी भी सर्वे करेंगे सबसे यंगेस्ट क्राउड पोको का आएगा, क्योंकि हमारा मार्केटिंग और पूरा CMF सिलेक्शन उसी वजह से रहता है। तो हमने एक लैवेंडर कलर ट्राई इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसके अंदर, हमारा ये इसका मेन कलर है इस डिवाइस का। अगर इस डिवाइस के बारे में बात करना चाहूँगा तो आई थिंक इसकी ग्लास बैक है, इस प्राइस ब्रैकेट में ग्लास बैक काफ़ी कम ब्रांड्स देते हैं। उसके बाद इसके अंदर प्रोसेसर जो आता है वो स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 AE आता है विद AI कैपेबिलिटीज़ राइट। अगर आप देखेंगे कि AI कैपेबिलिटीज़ मोस्टली रिस्ट्रिक्टेड टू टॉप एंड फोन्स राइट, बट हम AI कैपेबिलिटीज़ को भी डेमोक्रेटाइज करना चाह रहे हैं थ्रू दिस चिपसेट राइट। तो स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 AE, उसके बाद इसके अंदर 108MP कैमरा है विद 3x इन सेंसर जूम। ये अगर आप इस प्राइस ब्रैकेट में देखेंगे 5G डिवाइस विद 108MP कैमरा विद ग्लास बैक, ये प्रोपोजिशन आई थिंक काफ़ी डिफिकल्ट टू बीट है फॉर एनी ब्रांड। लास्ट ईयर जब हमने M6 Pro लॉन्च किया था, वी वर द फर्स्ट ब्रांड टू टच 999 प्राइस पॉइंट विच टोटली डिसरप्टेड द मार्केट। उसके बाद हम M6 5G लेके आए अराउंड 9,000 rupees, उसके बाद हम M6 Plus लेके आ रहे हैं विच इज़ अ कंप्लीट ऑलराउंडर डिवाइस। मैं तो वेट कर रहा था कि आपने बोला 9,000 आप बताओगे ये कितने। सो ये अराउंड 12,000 to 13,000 के आसपास आएगा प्रोडक्ट। एंड इसके अंदर अगर आप फीचर्स देखेंगे, मैंने जैसे बताया एक AI कैपेबल डिवाइस है, इसके अंदर ग्लास बैक है, उसके बाद इसका जो कैमरा है 108MP कैमरा, ये तीन प्रोपोजिशन आई थिंक वेरी डिफिकल्ट टू बीट इन दिस सेगमेंट है। तो इस एंगल से हमने काफ़ी ऑप्टिमाइज़ किया है। सो हमारा एक रहता है प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो, इसको हम मेजर करते हैं। परफॉर्मेंस इज नॉट ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू अवर चिपसेट राइट, परफॉर्मेंस हम चिपसेट पे परफॉर्मेंस में एंड्रॉइड स्कोर से आगे निकल के AI कैपेबिलिटीज में भी उसमें ऐड कर दिया है राइट। सो हम परफॉर्मेंस को एज अ होल देख रहे हैं, अब हमने इवॉल्व करा एज एन ओवरऑल पोको ब्रांड। तो 13,000 rupees के आसपास आपको पोको M6 प्लस मिलेगा इंडिया के अंदर, स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 AE चिपसेट होगा, AI फीचर्स आपको मिल रहे हैं इस प्राइस पॉइंट के ऊपर, 33W फास्ट चार्जिंग। सर वेरिएंट्स कितने होंगे इसके? इसके 2 वेरिएंट्स रहेंगे, 6128 and 8128। ओके सो ग्रेट, आपको स्टोरेज भी यहाँ पर ठीक ठाक मिल रही है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। सो दिस वॉज द पोको M6 प्लस, अगेन एक्सक्लूसिवली आपको हम बता रहे हैं, अनबॉक्सिंग फर्स्ट लुक प्राइस सब कुछ आपको पहली बार यहीं पर मिल रहा है। एक चीज़ रह गई बस, अब जो मैंने कहा था आपको छोड़ूंगा तो नहीं, इसकी इसकी प्राइसिंग क्या है?
पोको एक्स वन बड्स की। इसकी प्राइसिंग ऑब्वियसली काफी अग्रेसिव रहेगी, अंडर 2000 रहेगी एंड विद प्रीमियम फीचर्स इसके अंदर हम दे रहे हैं तो 19999 नहीं उससे कम रहेगी और 17999 उसके आसपास रहेगी। 17999 के 1700-1800 रुपए के आसपास बड्स जो है ये आपको मिल जाएंगे। आई थिंक अगेन वेरी गुड डिजाइन येलो कलर के अंदर। अच्छा इसमें और कलर्स कौन से हैं लैवेंडर के अलावा फोन में? इसके अंदर हमारे पास एक ब्लैक कलर है और एक ग्रे कलर है। पोको येलो नहीं है इस बार? पोको येलो हम अब लिमिटेड सीरीज के अंदर एक स्पेशल एडिशन के थ्रू हम इंट्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने X6 प्रो में लेदर एडिशन इंट्रोड्यूस किया था, राइट? सो हमारा एक ब्रांडिंग कलर है वो आई थिंक X सीरीज में ज्यादा वैलिड रहता है रादर देन एंट्री लेवल फोन्स के अंदर। ओके सो गाइस दिस वाज द पोको M6 प्लस एज वेल एज द पोको X1 बड्स। फर्स्ट लुक फॉर यू गाइस।